कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग चल रहा है, और इसमें जो प्रदेश के बाहर से लोगों को लाना है और उसके चलते जो व्यवस्थाएं बनानी हैं, ये एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। 64 फ्लाइट्स जा रही हैं विदेश से लोगों को हिंदुस्तान लाने के लिए, माइग्रेंट लेबर के लिए भी जो है ट्रेन्स चल रही हैं, और यहाँ भी काफ़ी जगह से जो है बसेस से जो है लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन मसला है कि जो सरकारी स्तर पे जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी वो जो है नहीं बन पाई हैं, ख़ासतौर पे बॉर्डर को जो है जिस ढंग से सरकारी स्तर पे निपटा जाना चाहिए था उसमें लगातार चूक हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का देख रहा था कि उन्होंने एक ऐड दी है, कहा है कि मैं हूँ ना, हाँ हम भी मानते हैं कि आप हैं, लेकिन ज़रा बॉर्डर पे व्यवस्थाएं जो हैं ज़रा सही कर लें तो अच्छा रहेगा। कर्मचारियों का जो एक दिन का वेतन काटा है वो ग्रॉस सैलरी काटी है, लेकिन आपने कोरोना वॉरियर्स का भी जो है पैसा काट दिया, जो डॉक्टर्स जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो नर्सेज ड्यूटी दे रही हैं, जो आपके फार्मासिस्ट ड्यूटी दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस के लोग ड्यूटी दे रहे हैं, आपने उनकी भी ग्रॉस सैलरी काट दी। कहाँ तो उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात आ रही है देश दुनिया में कि, और उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कहाँ एक तरफ हिमाचल सरकार है कि इन वर्गों की भी जो कोरोना से काम में जो है दिन रात जुड़े हुए हैं उनकी भी एक दिन की ग्रॉस सैलरी काट दी। सरकार को ऐसे संवेदनशील मसलों में सोचना चाहिए कि कर क्या रही है। और इसके अलावा सरकार को जो चीज़ें देखनी हैं, अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली पानी के बिल माफ़ नहीं किए हैं, अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसी का हाउस टैक्स माफ़ नहीं किया है, हिमाचल सरकार ने किसी बच्चे की स्कूल की फीस माफ़ नहीं की है, लेकिन सरकार को उस पर फैसले लेने चाहिए। अब टैक्सी वालों को उनकी टैक्सी खड़ी हो गई, जब उनकी टैक्सी खड़ी हो गई उन्होंने अपनी किस्त भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है, अपना पेट भी पालना है, जब आपने उसको खड़ा ही कर दिया है, कम से कम 5,000 रुपया टैक्सी वाले को हिमाचल प्रदेश सरकार को देना चाहिए जितनी देर तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और उसके बाद हमारे नाई की दुकानें हैं, सरकार ने बंद कराई हैं, अभी भी बंद करा के रखी हैं, अगर बार्बर शॉप बंद रहनी है तो जो लड़के इसमें लगे हुए हैं, जो परिवार इसमें लगे हुए हैं, तो उनको कम से कम 5,000 रुपया गुजारा भत्ता तो सरकार दे, नाई को सरकार दे। ऐसे ही जो है मोची हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। और फिर हमारे मंदिर हैं, मंदिर बंद हैं, कपाट बंद हैं, पुजारियों की रोजी रोटी का सवाल है, उनकी मदद भी किसी ढंग से होनी चाहिए। जब आपने उसके कपाट जो है लगातार बंद रखे हैं तो कम से कम पुजारियों को भी 5,000 रुपया महीना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार उस समय तक दे जब तक मंदिरों के कपाट नहीं खुल जाते। ये जो शाम को राष्ट्र के नाम संदेश होते हैं ना कि कभी इधर से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उधर से DGP कर रहे हैं, उधर से तीसरे अफसर कर रहे हैं, उधर से DCs कर रहे हैं, उधर से हर व्यक्ति कर रहे हैं, उससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कोई एक ताकत जो है राष्ट्र के नाम संदेश दो जिससे कि लोगों को पता लगे कि हिमाचल प्रदेश में होने क्या जा रहा है। और नोटिफिकेशनें भी रोज़ रोज़ जो जारी हो रही हैं, रोज़ कैंसिल हो रही हैं, एक के बाद अगर इसके बाद देखना आपने 1,000 तो नोटिफिकेशन ही निकल जाएगी कि पत्रकार भी आप लोग हर 2 मिनट बाद के कहते हैं सरकार ने अपना रोड मैप बदला है, सरकार ने ये परिवर्तन करा है। अरे भैया टिक के जो है फैसले करो और जनता को के हित में जो है वो करो।